क्या हो गया मम्मा? अल्लाह, फिर जुकाम चढ़ रहा है बहुत तेज। ऑडियो जंप। क्या हो गया मम्मा? अल्लाह, फिर जुकाम चढ़ रहा है बहुत तेज। दवाई खा लीजिए। अभी खाऊंगी, अभी थोड़ा सा काम है किचन में करके फिर खाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दी वर्ल्ड। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। कल तो मतलब कल फीवर था जो मुझे, तो फीवर तो आज दिन भर नहीं रहा मुझे, लेकिन सुबह से ज़ुकाम है और मैं ज़ुकाम से बहुत डरती हूँ। मेरे ये देख रहे हैं आप, मेरी ये आँख से आंसू रुकता ही नहीं है और बहुत तेज़ ज़ुकाम रहता है। मैं बैठ नहीं पाती हूँ, कुछ कर नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो सुबह से आज मुझे बहुत ज़्यादा नज़ला है और फराज को भी थोड़ा ज़ुकाम हुआ है, ये वायरल ही हो रहा है अभी तो। तो मैं अभी दिखा के आई हूँ, डॉक्टर को भी दवाई खाऊंगी। सुबह नहीं जा पाई थी क्योंकि सुबह घर के इतने काम होते हैं, बच्चों के काम होते हैं, फिर स्कूल से लाना, टाइमिंग भी डॉक्टर्स की ऐसी होती है कि उस टाइम पे नहीं जा पाती हूँ मैं। तो फिर 2:30 बजे से फराज का अपॉइंटमेंट था तो मैं फराज को दिखा के लाई और उस टाइम पे फिर मेरे डॉक्टर उठ जाते हैं। तो अभी गई थी शाम में, तो मैं खुद को दिखा के भी आई थी, थोड़ी सब्जी वब्जी भी लेके आई थी बाहर से, तो उस टाइम भी बहुत तेज़ हो रहा था। फिर अभी आई थी तो तब थोड़ा सा रुक गया था, मतलब पता नहीं क्या माइंड डाइवर्ट हुआ था, क्या हुआ था, और थोड़ा सा रुक गया था। अब फिर इतना चढ़ रहा है, इतना चढ़ रहा है कि मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ, बहुत मुसीबत हो रही है। बाप रे, पहले जब कभी मुझे ज़ुकाम हुआ करता था ना मम्मा के यहाँ पर, कुछ भी नहीं कर पाती थी मैं। अल्लाह, अभी अल्लाह पाक सब हिम्मत देता है, ताकत देता है, अपने काम तो घर के करने ही पड़ेंगे। और फरीद जी के जाते ही मैं बीमार पड़ जाती हूँ। पहले क्या होता था, शादी के बाद में जब फरीद जी आते थे तब मैं बीमार पड़ती थी, मेरी पूरी फैमिली बोला करती थी, मतलब मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी, मेरी फुप्पी सास थी, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करें, तो वो भी बोलती थी कायनात थे हदर क्या डरा जाती है, कहा कि हदर जाती है, कहा कि फरीद के आने के टाइम पे तुम बीमार हो जाती, बुखार आ जाता था मुझे, इनका आने का होता था और मुझे बुखार आ जाएगा ऐसा। तो और कई कई बार तो ऐसा होता था कि उस टाइम पे तो इतने फोन शुरुआत में इतने नहीं जैसे होते थे, तो उस लास्ट टाइम पे ही बता देते कि बस वो निकल रहे हैं आ रहे, बस मुझे बुखार चढ़ जाएगा। और अब ऐसा होता है कि उनके जाने के बाद मुझे बुखार चढ़ता है, जाने के टाइम तक मुझे बुखार आ जाता है, मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, कुछ ना कुछ मुझे होता है उनके जाने के टाइम पे। तो वही ये देखिए ना, ये साबित करता है कि जो जो चीज़ होगी ना वही चीज़ दिखती है। तो पहले फरीद जी मुझे बहुत डरा के रखते थे, वो आते थे बहुत आफत मचाते थे, मतलब था उनका कुछ अलग ही, और तो शायद उनके डर के मारे मुझे बुखार आ जाते, अल्लाह भी फिर आके परेशानियाँ, पता नहीं अलग ही थे। और आप देखिए ना, वो अल्लाह का शुक्र इतना अच्छे से रखते हैं मुझे, इतना प्यार से, इतनी मेरी केयर करते हैं मुझे, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से रखते हैं, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह नज़र न लगे। और यही सब देख के जलने वाले लोग ज़्यादा ही जल रहे हैं, लेकिन ये सब मैंने, मतलब ये सब अल्लाह का शुक्र है मैंने कमाया है, मतलब मैंने हिम्मत नहीं हारी ना, उनका साथ नहीं छोड़ा ना, वरना शुरुआत में जब दिक्कतें होती है ना जब कपल्स में, तो लोग तभी साथ छोड़ देते हैं। और मुझे तो शादी से पहले से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगने लगी थी कि मुश्किल काफ़ी आएंगी, लेकिन बस मुझे ये था कि नहीं, एक ना एक दिन तो सब ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो भी गया। तो अब बस वही है कि अब फरीद जी जाते हैं तो मैं पहले से हंसने लग जाती हूँ, कह रहे अभी जा रहे हैं, तो जो भी मेरी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। तो खैर जो भी है, तो बुखार था कल मुझे काफ़ी और वो उतर गया था, रात में मेडिसिन ली थी मैंने, सुबह मेडिसिन ली थी, और दिन भर फिर जुकाम की दवाई थी नहीं, अभी मैं नज़ले की दवाई लाई हूँ, तो अभी खाती हूँ और फिर देखिए इंशाल्लाह जैसा होगा मेरा हेल्थ अपडेट आप लोग को देती हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से इसी तरीके से यही अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मेरे कैमरामैन फैज़ अहमद थक रहे हैं, तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, ठीक है, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। आना जाएंगे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।